देश भर में भ्रूण हत्या को रोकने के लिए सख्त कानून लागू है। मध्य प्रदेश में भी जन्म से पहले शिशु के लिंग की जांच पर पूरी तरह पाबंदी है, लेकिन इसके उलट शिवपुरी जिले में अजन्मी बेटियों को गर्भ में ही खत्म करने का खून खेल चल रहा है। दरअसल सोशल मीडिया पर शहर के एक निजी अस्पताल के कुछ वीडियो वायरल हो रहे हैं, जिसमें कथित तौर पर अस्पताल की नर्स किसी दंपत्ति को कन्या भ्रूण हत्या के लिए गर्भपात के एवज में रकम तय कर सुरक्षित गर्भपात करवाने का आश्वासन दे रही है। वहीं सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होते ही शासन प्रशासन हरकत में आ गया है। एक वीडियो वायरल हो रहा है, मेरी जानकारी में आ रहा है, तो इसमें जो भी PCPNDT के तहत जो हमारा एक्ट है उसके तहत जो भी आवश्यक कार्रवाई करना है हम करेंगे। इसमें हमारी पहले से एक कमेटी गठित है और उस कमेटी को हमने ये पूरा मामला दे रहे हैं और उनसे चाहेंगे कि वो हमें इसकी रिपोर्ट जो है जल्दी से जल्दी उपलब्ध कराएं। उनको अभी हम पे एक पत्र भी जारी कर रहे हैं तत्काल। क्या लगता है किस किस तरह का है? अभी जो वीडियो है जो मैंने देखा है जहाँ तक, तो वो कहना अभी थोड़ा जल्दबाजी होगी, स्पष्ट नहीं है। जांच उपरांत ही सारे तथ्य जब सामने आएंगे तो आपको निश्चित रूप से हम लोग बताएंगे और जो भी इसमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यह बात सही है कि कल सोशल मीडिया के माध्यम से मुझे जानकारी हुई थी कि PCPNDT एक्ट जो हमारा है उसके अगेंस्ट कन्या भ्रूण हत्या के संबंध में एक वीडियो वायरल हुआ है, कथित किसी प्राइवेट नर्सिंग होम का। तो ये तो बहुत जघन्य प्रकृति का अपराध है और ये हमारा जो लॉ है उस लॉ में क्या है, ये नॉन अवेलेबल, नॉन कंपाउंडेबल और कॉग्निजेबल अपराध है, बहुत ही गंभीर माना गया है इसमें। और जैसा कि इस अपराध में सब अजमानती अपराध है और 3 साल तक की सजा का प्रावधान है। बिल्कुल, मैं PCPNDT कमेटी जिला सलाहकार समिति का सदस्य हूँ और इसमें ये जांच चल रही है। एक समाचार पत्र के माध्यम से मुझे अभी ज्ञात हुआ है कि किसी सिद्धि विनायक हॉस्पिटल को इसमें संलिप्तता बताई गई है, परंतु ये अभी जांच का विषय है। हम इसमें जांच कर रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उसके संबंध में कानून सम्मत कार्रवाई होगी और उनके खिलाफ हम दंडात्मक कार्रवाई के लिए न्यायालय में परिवाद पेश करेंगे। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता रशीद खान जुड़े हुए हैं। रशीद जी, भ्रूण हत्या को लेकर यहां पर एक वीडियो वायरल हुआ है सोशल मीडिया पर, क्या पूरा मामला है विस्तार से बताइए। जी प्राची, ये पूरा मामला शिवपुरी का बताया जा रहा है। यहां मैं आपको बता दूं कि भ्रूण हत्या रोकने के लिए सरकार ने सख्त कानून बना रखे हैं, उसके बावजूद भी शिवपुरी में प्रसव के पूर्ण भ्रूण हत्या करने का मामला सामने आया जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। यहाँ एक निजी अस्पताल की बताया जा रहा है जिसमें इसको लेकर भ्रूण हत्या को लेकर एक नर्स द्वारा दंपत्ति से बात की जा रही है। जी जी रशीद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।